आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने की कॉन्फ्रेंस। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। पार्टी में लोक जनसंघर्ष पार्टी के 9 लोग शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में संजय सिंह ने दिलाई सदस्यता, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह की अगुवाई में हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। पार्टी में 9 लोग शामिल हुए हैं जिन्हें सदस्यता दिलाई गई है। तो 2022 के चुनाव को अगर जोड़कर देखा जाए तो आम आदमी की पार्टी की जो सक्रियता है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी की और उसमें 9 लोगों को शामिल किया गया। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवाजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 9 लोगों की सदस्यता दिलाई गई है 9 लोगों को, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए जीती, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ने की जो कवायद है वो काफी दिनों से चल रही है, और आज भी लोक जनसंघर्ष पार्टी से 9 पदाधिकारी जो हैं वो अलग अलग जिलों से आम आदमी पार्टी में उन्होंने सदस्यता ली है। और ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का रुतबा रखने के लिए और इसकी कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो प्रतिनिधि हैं जो आज इससे जुड़े हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो बीएसपी के कुछ लोग हैं जो वो भी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, और साथ ही साथ फिर से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर एक बार फिर मुद्दा एक निशाना साधा है कि जो 59,000 भर्ती प्रक्रिया थी उसको अभी तक किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली और जो लोग थे वो अभी भी बेरोजगार हैं। तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही और ये कहा है कि बीएस संतोष का जो दौरा था उत्तर प्रदेश के अंदर वो योगी सरकार की खामियों को ढूंढने के लिए था, और इसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। तमाम चीजें हैं और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपना कुनबा मजबूत करने के लिए और सरकार को नीचा दिखाने के लिए संजय सिंह की इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और लगातार योगी सरकार के खिलाफ जो मुद्दे होते हैं उनको वो उठाते आए हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से 2022 में आम आदमी पार्टी स्टैंड कर पाएगी क्या उत्तर प्रदेश में? जिस तरह से लगातार जो सतर्कता है वो हम देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया भी वो आए थे लखनऊ दौरे पर, उसको लेकर भी ये कयास तब से लगाए जा रहे थे कि इस बार 2022 के चुनाव में काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी सक्रिय रहने वाली है। बिल्कुल कीर्ति, ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करके नहीं बिल्कुल अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, जैसा कि तमाम पदाधिकारी चाहे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो सारे पदाधिकारी ये कहते आए कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले और सिर्फ अकेले वो अपना चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ जीतेंगे। इसीलिए तमाम पार्टियों को जो लोग हैं जो पदाधिकारी हैं उनको तोड़ने में आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो सफल भी होते नजर आए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बीएसपी के हों, और जो छोटी छोटी पार्टियां उनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको तोड़ने में सफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ उनके जिले की उनके इलाके की जो मजबूती है उन पार्टी कार्यकर्ताओं की मिलती है और उससे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी अपने आप को किस तरीके से मजबूत बनाए और किस तरीके से उस क्षेत्र से अपने कैंडिडेट को खड़ा करके उस सीट को जीतने की कोशिश करें। बिल्कुल शिवा, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये देखना अहम होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरह से सक्रियता बढ़ती जा रही है उसको लेकर 2022 में कहां स्टैंड करती है और किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, ये भी काफी अहम चीजें हैं जिसको देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पार्टी में लोक जनसंघर्ष पार्टी के 9 लोगों को जोड़ा गया। बता दें कि बीएसपी से कुछ लोगों को वहां से जो बीएसपी से जो लोग टूटे थे उन्हें अब शामिल कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ जो है उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की कोशिश रही है, क्योंकि यह माना जाता रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें भी उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा अहम रोल निभाने वाला है। उसको लेकर भी जो तमाम पार्टियां हैं वो ये कवायद में जुटी हुई है कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी सक्रियता बढ़ाएं और इन 7 महीनों में वो कुछ कमाल कर पाए। वहीं अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से इस वक्त के सामने आ रही है। 25,000 का इनाम, कुलदीप सिंह गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने अलीगढ़ से किया गिरफ्तार। तो 25,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ के हरदौवागंज थाने में 19 मामले हैं दर्ज। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 25,000 का इनामी कुलदीप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपीएसटीएफ ने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के हरदौवागंज थाने में 19 मामले दर्ज है यूपी में। वहीं अगली बड़ी खबर, आईपीएस लॉबी में बड़ा फेरबदल। आईएएस रमाकांत पांडे विशेष सचिव आबकारी बने। आईएएस उमेश मिश्रा बिजनौर के नए डीएम बनाए गए।
लगातार हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। तो यूपी के आईपीएस आईएएस लॉबी में बड़ा फेरबदल हुआ है, लगातार बड़े फेरबदल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। वहीं आईएएस उमेश मिश्रा बिजनौर के नए डीएम बनाए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव, मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, काफी ज्यादा बदलाव उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहे हैं, पीसीएस हो अब आईएएस के जो बदलाव किए गए हैं। निश्चित तौर पर कीर्ति, बता दूं आपको कि अभी जो हाल फिलहाल में जो बैठकों का दौर चला था उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच, उसमें कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसी बातें निकल के आई थी कि जो मंत्री थे, जो विधायक थे, उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि अधिकारी जो है उनकी सुनते नहीं है। ये पहले से, बहुत पहले से भी सुनने में आया था कि अधिकारी किसी भी पार्टी कार्यकर्ता की हो, चाहे विधायक की हो, किसी की बात नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इसकी कंप्लेंट, इसकी शिकायत ना केवल मुख्यमंत्री से बोली गई थी, जबकि आपके संगठन के बी.एल. संतोष, जब संगठन राष्ट्रीय संगठन मंत्री आए, उनसे भी एक शिकायत की गई। उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि ऐसा फेरबदल देखने को मिलेगा। उसी के तहत, जैसे कि हर बार उत्तर प्रदेश में होता है कि रात में, देर रात जो तबादला एक्सप्रेस चलती है, उसी के चलते एक बार फिर से हमें देखने मिला कि चार जिला अधिकारी बदले गए, साथ में दो ACS लेवल के अधिकारियों का तबादला हुआ है और दो प्रमुख सचिव के भी तबादले हुए हैं। आपको बता दूं कि अभी जैसी ISO का तबादला है, कुछ दिनों में, हो सकता है आज या कल, कुछ IPS और PPS और PCS अधिकारियों के भी तबादले हो सकते हैं। कीर्ति, तो बड़ी ये फेरबदल माने जा रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया, तो लगातार हम भी ये सवाल उठाते रहे कि जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी सत्ता के पक्ष में नहीं है और वो कहीं पर भी सुनते नहीं नजर आते थे, क्योंकि उनकी अपनी अलग मनमानी चलती थी। अगर नेताओं के फोन भी जाते थे तो अधिकारियों द्वारा वो फोन तक नहीं उठाए जाते थे। इस बात को लगातार प्राइम टीवी भी उठाता रहा है और प्रमुखता से रखता रहा है कि जिस तरह से अधिकारियों की मनमानी चल रही थी, लेकिन काफी देर बाद या कह ले कि चुनाव आने से पहले ही ये फेरबदल करा गया, सिर्फ चुनाव के चलते। किसी, देखिए आपको बता दूं कि कभी भी जब भी कोई सत्ता का होता है, अगर अधिकारी बात सुन रहे होते तो बार बार, हमने वीडियोस भी देखे थे, वायरल होते थे, ऑडियो भी वायरल होते थे, शिकायत पत्र भी आते थे सीधे, न केवल विधायक तो कि सांसद होते थे, वो भी अपने पत्र में जिक्र करते थे कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं अधिकारी। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो बार बार मुख्यमंत्री को भी ये नहीं कहना पड़ता कि सारे अधिकारी अपना CUG नंबर उठाएंगे। हर बार हमने देखा है, चाहे वो कोविड का दौरान रहा हो, चाहे आम दिन रहे हो, बार बार मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से ये कहा था और मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी चेकिंग हुई थी कि अधिकारी अपना CUG उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। हमने कई फेरबदल पहले भी देखे थे कि उस दौरान जब मुख्यमंत्री ने इसे कह रहा तो दो तीन जिलों के अधिकारी, जिला अधिकारी और कप्तान को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया था। अगर ऐसी स्थिति जमीनी हकीकत पर नहीं होती तो बार बार ऐसे सुनने को नहीं मिलता। उसी का नतीजा है कि अभी आज ISO के तबादले हुए हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक दो दिन में हमें बड़ा फेरबदल पुलिस प्रशासन में भी देखने को मिलेगा, IPS और PPS अधिकारी को भी तबादला हो सकता है। कीर्ति, शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से तबादले देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा चेंज हो रहा है, तो लगातार प्राइम टीवी बातें सामने लाता रहा है कि जिस तरह से अधिकारी मनमा रहे हैं यूपी की सत्ता में, उसको लेकर बड़ी बातें उजागर हो रही थी कि अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से काम करते हैं और नेताओं का फोन तक नहीं उठाते, इतनी बड़ी मनमानी चल रही थी, जिसको लेकर अब बड़ा फेरबदल किया। हालांकि अभी और भी ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस नजर आ सकते हैं, जिस तरह से मनीष ने बताया कि आगे और भी तबादले और निलंबित लोगों को किया जा सकता है, तो कई बदलाव सामने आ सकते हैं।